इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि जिला रियासी के चसाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर बीती रात को एक इको वाहन जो है वो दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक इको वाहन जिसका नंबर JK 20C 6326 जो मलिकोर से चसाना की ओर जा रहा था और करीब 200 से 300 फुट गहरी खाई में गिर जाता है, जिसके बाद 3 लोगों की जो है वो मौके पे ही दर्दनाक मौत हो जाती है, 3 लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। आपको बता दूं कि मृतक व्यक्तियों की पहचान संदूर सिंह उम्र करीब 23 वर्ष, पुत्र सुखदेव सिंह जिनकी मौके पे ही मौत हो जाती है, उनके साथ साथ दूसरे व्यक्ति जिनकी पहचान कुलचा देवी उम्र करीब 27 वर्ष, पत्नी शंकर सिंह इनकी भी जो है वो इस हादसे में मौत हो जाती है, और एक और व्यक्ति जिनकी इस हादसे में मौत हुई है उनकी पहचान नीरज सिंह उम्र करीब 18 वर्ष, पुत्र शंकर सिंह इनकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। और आपको मैं बता दूं कि ये सभी निवासी जो हैं वो मलिकोट तहसील चसाना जिला रियासी के रहने वाले थे, और घायल व्यक्तियों की पहचान शंकर सिंह उम्र करीब 32 वर्ष, पुत्र जनक सिंह ये घायल हुए हैं, और उनके साथ साथ अजय सिंह पुत्र सुखदेव सिंह ये भी व्यक्ति जो है वो घायल हुए हैं, और उनके साथ साथ एक और व्यक्ति जो घायल हुए हैं उनकी पहचान दुंदकार सिंह जिनकी उम्र जो है वो 19 वर्ष है, पुत्र जनक सिंह, सभी लोग जो है वो मलिकोट तहसील चसाना जिला रियासी के रहने वाले थे। सभी घायलों का इलाज जो है वो जिला अस्पताल रियासी में जो है वो उनका उपचार चला, इनकी हालत को देखते हुए इन्हें जो है वो GMC जम्मू में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना जो है वो जरूर करें, और जो व्यक्ति इस हादसे में जिनकी जान चले गई है उनकी स्वस्थ हो, जिनकी मौत हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि ये लोग जो हैं वो इनकी आत्मा को भगवान जो है वो शांति प्रदान करें, और जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं कामना कीजिएगा कि ये लोग जो है वो जल्द ही स्वस्थ हो और हम सब के बीच में हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देख रहे हैं रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।